ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, A1 न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता मिश्रा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का जिक्र करते हुए इशारों इशारों में कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि देश में एक जमात ने डॉक्टर B.R. अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी महान लोगों की प्रतिकूल छवि गाड़ने का प्रयास किया और कई पूर्व प्रधानमंत्रियों की स्मृतियों को मिटाने का प्रयास किया। आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने ठान लिया है कि दिल्ली में सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की स्मृति में एक बहुत बड़ा आधुनिक संग्रहालय बनाया जाएगा। आज केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तीसरी बार लोकसभा में 3 तलाक बिल पेश किया। उन्होंने कहा कि पिछली लोकसभा में यह बिल पास होकर राज्यसभा चला गया था, लेकिन सदन भंग होने की वजह से बाकी कानूनों की तरह इसे भी दोबारा लोकसभा में लाना पड़ा है। तो वहीं JDU ने लोकसभा में इस बिल का विरोध किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर अवार्ड वापसी गैंग पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए अवार्ड वापसी गैंग फिर से सक्रिय हो गया है। मॉब लिंचिंग का सवाल उठाने वाले यह लोग तब कहां थे जब केराना के विधायक ने मुसलमानों को हिंदुओं की दुकानों से सामान नहीं खरीदने के लिए कहा था, तब वे क्यों खामोश रहे। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रामपुर में मौलाना मोहम्मद जोहर अली यूनिवर्सिटी को लेकर उपजिलाधिकारी ने बड़ा आदेश दिया है। उपजिलाधिकारी ने यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे सार्वजनिक मार्ग से अनाधिकृत कब्जा हटाने को कहा है। इसके अलावा आजम खान को 3,27,60,000 व कब्जा मुक्त होने तक 9,10,000 प्रतिमाह की दर से 15 दिन के अंदर वादी लोक निर्माण विभाग को देने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। CM योगी ने शाहबेरी में अवैध रूप से कॉलोनियां विकसित कर हजारों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले 30 बिल्डरों के खिलाफ FIR करवा कर उन्हें NSA के तहत जेल भिजवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जमीनी मामलों में जुड़े अधिकारियों की सूची तैयार की जाए, जिससे इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। BJP ने दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग पर 200 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। इस पर BJP के प्रवक्ता हरीश खुराना ने एक शिकायत नई दिल्ली जिला के पुलिस उपायुक्त मधुर वर्मा को सौंपी है। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए DCP ने इस केस को एंटी करप्शन विभाग को सौंप दिया है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने BJP को तगड़ा झटका दिया है। BJP के 2 विधायकों ने विधानसभा में कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग किया। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस JDS की सरकार गिरने के बाद से ही BJP के निशाने पर अब मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार आ गई है। इससे पहले पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था कि अगर प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिरती है तो इसके लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार होगी। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी NCP को जोर का झटका लगा है। मुंबई NCP के अध्यक्ष सचिन अहिर शिवसेना में शामिल हो गए हैं। उद्धव ठाकरे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सचिन अहिर को शिवसेना में शामिल किया। जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में NCP के कुछ और दिग्गज नेता भी पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में भीमा कोरेगांव केस में आरोपी गौतम नवलखा को लेकर बड़ा दावा किया है। महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा है कि गौतम नवलखा का संबंध पाकिस्तानी आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से है। आपको बता दें कि गौतम नवलखा ने अपने ऊपर दर्ज FIR रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था। उत्तर प्रदेश के केराना के सपा विधायक नाहिद हसन के भाजपाई दुकानदारों से सामान न खरीदने वाले बयान पर अब साध्वी प्राची ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम कारीगरों के हाथ की बनी राखी और कावड़ न खरीदे। साध्वी यही नहीं रुकी, आगे उन्होंने कहा कि शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले मस्जिद व मदरसों में आतंकवादियों की फौज तैयार की जा रही है। इन्हीं मदरसों में हाफिज सईद जैसे आतंकवादी तैयार हो रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में दोषी नलिनी श्रीहरन जेल से बाहर आ गई है। नलिनी ने अपनी बेटी की शादी की तैयारी के लिए मद्रास हाईकोर्ट से 6 महीने की पैरोल की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने नलिनी को 30 दिन की पैरोल दी है। आपको बता दें कि राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी उम्र कैद की सजा काट रही है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के बैरकपुर से BJP सांसद अर्जुन सिंह के घर पर बदमाशों ने बम फेंके और 7 राउंड गोलियां भी चलाई। सांसद पर हमला होने की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारतीय मूल की प्रीति पटेल को गृह मंत्री बनाया है। कंजर्वेटिव पार्टी की नेता प्रीति पटेल को साजिद जावेद की जगह गृह मंत्री बनाया गया है। साजिद जावेद पाकिस्तानी मूल के हैं और उन्होंने वित्त मंत्री बना दिया गया है। प्रीति पटेल को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थक माना जाता है। पीलीभीत से निजामुद्दीन राजन की रिपोर्ट के अनुसार टाइगर रिजर्व से निकलकर गांव मटेना कॉलोनी में एक बाघ ने दहशत का माहौल बना रखा है। बाघ ने हमला कर 9 से अधिक ग्रामीणों को घायल कर दिया है। बाघ के सिलसिलेवार हमले से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल घायलों को उपचार के लिए पूरनपुर CHC अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल सूचना पर टाइगर रिजर्व की टीम मौके पर पहुंचकर बाघ की लोकेशन जानने में जुटी हुई है। कैसे क्या हुआ? हम लोग निराई कर रहे थे, खेत के किनारे थोड़ी दूर पे जंगल है, उसमें किनारे खेत के किनारे पे शर्मा है, उसमें शेर बैठा था। अब पहले निकला तो दो लोगों को घायल किया, फिर लोग हल्ला मचाए, फिर वो घुस गया, फिर दोबारा फिर निकला, फिर दूसरे साइड से निकला तो फिर दो तीन लोगों को मार दिया। ऐसे ऐसे करके 5-6 लोगों को मारता जा रहा है। घायल करा या मार दिया? घायल कर रहा है। अच्छा, किस जगह घटना है ये? कौन सा गांव है, किस जगह? घटना कॉलोनी है, 1-4 नंबर है, 2 नंबर है। अच्छा, लगभग कितने लोग घायल हो गए हुए? लगभग इस समय तो 5 लोग यहाँ आ गए, छठा आने वाला है, पता नहीं शाम तक कई लोगों को मारेगा। इन दिनों सारा अली खान और कार्तिक आर्यन की अफेयर के चर्चे खूब हो रहे हैं। ये दोनों सितारे अक्सर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते दिख जाते हैं। फिल्म के सिलसिले में दोनों लखनऊ पहुंचे थे। ये दोनों सितारे रेस्टोरेंट में एक दूसरे का हाथ थामे नजर आए। इसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें A1 न्यूज TV। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज TV। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।